The Hindu Samaj Party leader's wife was allegedly manhandled by the cops. Supporters and family also staged protest and demanded justice. They also alleged that the police lathi charged them. Demanding probe, Kamlesh's wife threatened self-immolation if justice was not done. The family members of Kamlesh has demanded capital punishment for the criminals. लाश दे नहीं रहे थे हम लोगन का हम लोग जबरदस्ती लेके उनकी लाश को आए यहाँ आप लोगों के साथ अभद्रता भी की पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से भैया सब कार्यकर्ता उनके हैं उनके सब समर्थक हैं और क्या आक्रोश भरा है तो कहेंगे नहीं कुछ तो तुम उनके ऊपर लाठी चार्ज करोगे उनको थप्पड़ मारोगे ये तो प्रशासन को नहीं चाहिए था आपकी भी चोट आई है क्या हुआ ठंडा पड़ गया था इंसाफ दिलाए अगर आज नहीं आए हम लोग कल 12 बजे आज दाह करेंगे यहीं पे लाश जाए साथी में हम बच्चन के साथ माँ आत्मदाह कर लेंगे उसके साथ ही लाश जाएगी अगर नहीं आएंगे आज तो हम कल आत्मदाह जरूर करेंगे 12 बजे जो आप लोगों ने दो लोगों को नामजद कराया था उनमें से एक मौलाना को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है इस पर क्या कहना चाहेंगे ले लिया है तो उस पर कार्रवाई हो और ये कहेंगे चाहेंगे कि उनको फांसी हो बस और क्या कहना चाहेंगे वो लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए हमारी इतनी मांग है कि जो लोग हैं उनकी अविलंब जो है गिरफ्तारी हो और परिवारों वो बाहर से दर्शन दे के चले गए ना कुछ पूछना है ना कुछ जांचना है दर्शन दे के चले गए तो फिर चले जाइए और क्या हम भी बैठे रहेंगे बर्बरतापूर्वक मारा पीटा है जिसको कोई हद नहीं एसएसपी साहब के सामने मारपीट हुई है एसएसपी साहब के सामने ये देखिए चोट ऐसे नहीं आतंकवादी हमला हुआ है आज कमलेश तिवारी के साथ हुआ है कल हम लोगों के साथ हुआ है घर भीतर घुस के मारा गया है नहीं होगा ये अन्याय है अन्याय है ऐसा नहीं होगा इंसाफ दिलाए सबको Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.